चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। हिसार में मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री गांव ढाणा कला में जनता की समस्याएं सुन रहे हैं इस समय, और कुलाना गांव में भी लोगों से रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे मुख्यमंत्री, और मौके पर सांसद ब्रजेंद्र सिंह मौजूद है। सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं जनसंवाद कार्यक्रम में। बैठे बैठे उठना नहीं है, तेजी ना दिखा। अब क्योंकि ये सारे की सारी मुझे अपने साथ लेके जानी है, जो यहाँ डीसी लेवल की होंगी वो इनको दे देंगे, जो मुझे चंडीगढ़ ले जानी हो चंडीगढ़ ले जाएंगे। एक बात ध्यान रखना कि आपका एक एक वाक्य एक एक शब्द पढ़ा जाएगा। मेरे पास अभी पिछले जनसंवाद के कार्यक्रम में इस समय तक लगभग 19,000 शिकायतें ऐसी आई हैं, उसमें हमने 3,500 तो सॉल्व करके और लोगों को भेज भी दी है। 13,000 ऐसी हैं जो भी पाइपलाइन में है, क्योंकि काम होने में टाइम भी लगता है। ऐसे हर एक का जवाब हम देते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन पर नाम के साथ नंबर यानी फोन नंबर ये जरूर लिख देना, क्योंकि फोन नंबर के बिना संपर्क किसको करेंगे, संपर्क करना जरूरी है। और जो सरपंच हैं वो अपने कई डिमांड लिखी होती हैं गांव की, 5, 7, 8 होती हैं, तो उसमें जो सबसे नंबर एक आपको लगता है ये जरूर करानी है, उस पर तो एक नंबर डाल दो, और जो उसके बाद बहुत ज्यादा आपको लगता है कुछ दूसरी भी है तो 2 डाल दो, ताकि हम प्रायोरिटी करके हर गांव का कोई एक बड़ा काम, चाहे आप 10 गांव हैं, 15 हैं, जितने भी आए हैं, उनका एक एक काम तो सबका हम प्रायोरिटी से करा ही देंगे। ठीक है, तो इस सारे संबंध में जितने कागज हमारे पास हैं, मेरे स्टाफ के लोग आएंगे और सभी के कागज वो लेके जाएंगे। ले आओ भाई, इधर जो हमारे पुलिस का स्टाफ है ये भी चले जाओ, सब कागज दे दो इनको। जो पीछे माइक वाले हैं वो भी ले लो, जो माइक जिनके हाथ में है वो भी ले आओ जाके, बाद में पहले एक बार कागज इकट्ठे कर ले। बोलो भारत माता की। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जनता की समस्याएं सुनी जा रही हैं, और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद के दौरान जनता की समस्याओं का समाधान करते हुए बराबर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार सुन भी रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। बाद में करेंगे बात, कागज दे दो। अरे रुकिए, देखिए आपका जो नौजवानों के विषय है वो नौकरी के भर्ती में, फिर HSVP, HSSC, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कई गुंझले हैं, कहीं कोर्ट फंसा है, कहीं कुछ है। जनरल पब्लिक वाले विषय तो नहीं है, आप अलग से भी 10 मिनट अपनी बात रखेंगे मैं सुन लूंगा, लेकिन मैं आपको सारे विषय बता के जाऊंगा कौन सा क्या चल रहा है। कोर्ट में चल रहा है उसका बोलने का फायदा नहीं है, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। जो कोर्ट में नहीं है सरकार के पास है, तो आपने अपने कागज में लिख के दिया है ना, कागज लेके दे दिया ना, मैं बैठ जाऊ अभी एक बार बैठ जाऊ सुनता हूं। बोलो भारत माता की। अरे रुको भाई, क्यों ऐसा क्यों दे रहे हो आप, कागज दो इनको। नहीं 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 चाहिए माइक, आप गायक हो भले कुछ भी, आप कागज दे दो इनको। मैं सब सुनूंगा, आप कागज दे दो। बस ठीक है, मैं आपकी आपकी बारी आएगी बुलवाऊंगा आपको। दे दो अपना, ले आओ भी ले आओ सब, बाकी बैठ जाओ एक बार। मैं एक तरीके से सारा सिस्टम चलाऊंगा आगे, चिंता मत करो, बैठ जाओ एक बार। ओके सब, बोलो भारत माता की। अब हम आते हैं, ये तो हो गया आपके जीवन में कैसे सरलता लानी है, सिस्टम को कैसे ठीक करना है। बच्चे दाएं बाएं हो जाओ। अब इसमें विकास के नाते भी हमारे बहुत लोग विकास के नाते भी अपनी बात को रखते हैं। गांव में गली नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, बिजली का मामला है, या किसी स्कूल का है, अस्पताल का है, ये सारे विषय आते हैं। लिखे हुए सारे विषय आए हैं, एक एक कागज आपका पढ़ेंगे। फिर भी सबसे पहले तो ये गांव जो ढाणा कला है,
ढाणा कला की कुछ बातें जरूर मैंने पहले मंगवा ली थी, जिस गांव में जाता हूं उस एक गांव के तो विषय आ जाते हैं, बाकी गांव के शुरू होते हैं यहां से बाद, इसके बाद। तो इसलिए जो ढाणा कला की जो चीज आई हुई है उसका मैं सारा विषय आपके सामने रखता हूं। एक तो यहां गांव के स्टेडियम में खेल का सामान, इसकी डिमांड बताई हुई, क्यों सरपंच साहब है ना ये? तो कौन है यहाँ स्टेडियम, किसके जिम्मे है ये? बीडीपीओ के जिम्मे या स्पोर्ट्स के जिम्मे? यहाँ बीडीपीओ के जिम्मे कौन है बताइए? स्पोर्ट्स का सामान 4 लाख रुपए में आ जाएगा सर इनका। नहीं, लेकिन किसके, कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करेगा। ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट देता है, गाँव के स्टेडियम में सामान वही देते हैं? हाँ जी सर। ठीक है, स्पोर्ट्स डीएसओ आए हैं? डीएसओ भाई, डीएसओ आए क्या? नहीं, कौन है डीएसओ, नाम क्या उसका? डीएसओ का नाम क्या है? आया नहीं ना है रस्ते में मतलब? ठीक है, डीएसओ को सस्पेंड करके छुट्टी करते हैं। डीएसओ हिसार जिला सस्पेंडेड, यानी एक तरफ सारी सरकार यहां बैठी है और डिस्ट्रिक्ट का स्पोर्ट्स ऑफिसर यहां नहीं है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर के नाते तो जिम्मेवारी मेरी है अभी, उस नाते भी उसकी तो जिम्मेवारी बनती है, उसको सस्पेंड करो, बाहर करो। ठीक है, आपका जो ये स्पोर्ट्स वाला मामला है सामान का, इसका हल कराएंगे। ऐसे ही सरपंच बता दें कि ये जितनी डिमांड दी हुई है सबसे एक डिमांड महत्वपूर्ण कौन सी बताइए? ऐसा ये NH9 का विषय है, ये NH9 ही करेगा, इसलिए हम तो एक पत्र लिख देंगे, करने के लिए उन्हीं को कहना पड़ेगा, वो कितना जल्दी करते हैं, अब करते हैं बाद में करते हैं। वो सर्विस तो NH के साथ, नेशनल हाईवे के साथ जितनी सर्विस लाइन बनाते हैं वो नेशनल हाईवे वाले ही बनाते हैं, वो स्टेट का काम नहीं है। जो स्टेट का काम हो या पंचायती राज का काम हो, ऐसा कोई एक काम आप बताओ कि ये हमारे गाँव का जरूरी है। स्टेडियम में खेल का सामान, इंडोर हॉल वास्ते वो डीएसओ फिर नहीं आया है, उसी को सस्पेंड किया मैंने। ठीक है, आपके स्पोर्ट्स की जितनी चीजें हैं, चाहे कोच की बात है या इंडोर हॉल की बात है, सामान की बात है, इसको हम पूरा कराएंगे, लिख लो सर। कराएंगे, और सर NH9 वाले में भी सर ये IRC के नॉर्म्स में नहीं है, बट फिर भी हमने लिख रखा ऑलरेडी, और उन्होंने मुख्यतः कहा कि करेंगे इसको सर NH9। ठीक है, डिमांड्स तो काफी आई हैं आपकी, लेकिन एक दो जो जरूरी मुझे लगता है कि जरूर, ये तो छोटे छोटे काम हो जाएंगे। आपके शमशान घाट का रास्ता जो मुझे बताया है कि वो रास्ता ठीक नहीं है, उस रास्ते को शिवधाम योजना में करा दो पक्का, लिख लो संबंधित विभाग। इसी प्रकार सामुदायिक भवन, यहां कोई बरात घर वगैरह नहीं है, तो एक जो ग्रामीण क्षेत्र का सामुदायिक भवन होता है 40-50 लाख रुपए का खर्चा जिसका आता है, ये एक जमीन है ना, उस जमीन पर एक सामुदायिक भवन जो है ढाणा कला में, ये बनना चाहिए अगर पहले ऐसा नहीं है तो। ठीक है, एक विषय जो नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है, पढ़ाई के बाद लाइब्रेरी आवश्यक होती है, तो गांव की लाइब्रेरी जैसे गांव की हम करते हैं वो सब गांव में कर रहे हैं, उसको भी मंजूर करते हैं। नौजवानों के पढ़ाई के बाद उनको सामान्य ज्ञान के लिए आगे बढ़ना, आगे बढ़ करके फिर अपने एग्जाम की तैयारी करके नौकरी के लिए जाएं, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो। मैं तो कहता हूँ प्राइवेट नौकरियों में भी बहुत अच्छे अच्छे, यानी कॉर्पोरेट सेक्शन में उनको अच्छी नौकरियां मिलती हैं, पढ़ लिख करके वहां भी जाते हैं, और वो सरकार से भी कई बार अच्छी होती है। तो हर हमने इसके लिए तो एक और काम किया है, हमारे नौजवान आजकल विदेश जाने के लिए भी थोड़ा ललचाते रहते हैं, एक डिपार्टमेंट बनाया फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट FCD, उसमें ओवरसीज प्लेसमेंट सेल के बाहर नौकरियां दिलवाने के लिए पहले नौजवानों को स्किलिंग करते हैं, जैसी वहां जरूरत हो उस जरूरत के हिसाब से स्किलिंग करा करके फिर वहां भेजते हैं जिस देश को जितने लोग चाहिए। इसमें कुछ चीजें हमारी शुरू हो गई हैं, लेकिन इसकी गति और बढ़ाएंगे ताकि नौजवान गलत ढंग से, गलत ये जो दलाल होते हैं इनके चक्कर में ना फंस के, कमीशन एजेंट कई बार
पैसे भी ले लेते हैं। आजकल एक इधर तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ डंकी याद करा दिया आपने, तो वो डंकी सिस्टम कुरुक्षेत्र कैथल जिले में तो भयंकर, करनाल में भी, कि बच्चे वहां जाते हैं और इल्लीगल जाते हैं, कोई सिस्टम नहीं है। जाने के बाद भरोसा नहीं वो आप ही पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वहां जाने के बाद उनके पासपोर्ट छीन लेते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि इलीगल है, वीजा लगता नहीं है। बिना वीजा के जाएंगे तो वहां अवैध नागरिक इस नाते से वो रहेंगे। कई बार तो झगड़े होते हैं, झगड़ों में भी कोई सहायता उनकी हो नहीं पाती है। तो इस प्रकार से अवैध, इस प्रकार का कोई वीजा, बिना वीजा जाने का सिस्टम कोई अडॉप्ट न करे। सरकार सब तरह की सुविधा उसमें दे रही है, पासपोर्ट भी दे रही है, और हम फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ने कोशिश करेंगे कि वीजे का भी प्रबंध करें, एम्बेसियों के साथ आपके वीजे लगे, सब वहां किसी ना किसी नौकरी के हिसाब से वहां जाए। लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना वैध तरीके से वो ना जाए, तो इसका भी हम प्रबंध कर रहे हैं। ऐसे ही तो लाइब्रेरी की बात मैंने पूरी की, सामुदायिक भवन की बात हो गई। यहां कोई एक झगड़ा बहुत पुराना धाणक धर्मशाला का है, है भाई बताओ, धाणा वाली हो है? धाणक धर्मशाला वो बड़वानी है कि नहीं? खेल अधिकारी को सीएम ने निलंबित कर दिया है। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बड़ा एक्शन लेते हुए मौके पर मौजूद न होने के चलते सस्पेंड कर दिया है। स्पोर्ट्स डीएसओ को सस्पेंड किया गया। खेल स्टेडियम को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की थी जिला खेल अधिकारी को, मुख्यमंत्री की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया। तो वहीं स्पोर्ट्स डीएसओ को सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं अब मौके पर मौजूद न होने के चलते बताया जा रहा है कि सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आए, जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान यह एक्शन लिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। ग्रामीणों की तरफ से शिकायत की गई थी खेल को लेकर, स्टेडियम को लेकर। तो इस दौरान जब मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि जो डीएसओ है वो इस समय मौजूद है या नहीं, उस समय मौजूद नहीं थे, तो बड़ा एक्शन लिया गया, तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जिला खेल अधिकारी को मुख्यमंत्री की तरफ से निलंबित कर दिया गया है और मुख्यमंत्री का एक्शन लगातार जारी है। संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे मुख्यमंत्री, और लोग लगातार अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने खुलकर रखते हुए क्या क्या समस्याओं का समाधान जो है वो करवाना है। जनता मुख्यमंत्री को बता रही है कि क्या क्या समस्याएं हैं। विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, देखिए मौके पर मौजूद न होने के चलते स्पोर्ट्स डीएसओ को सस्पेंड कर दिया है, एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा एक्शन देखने को मिला है जनसंवाद के दौरान। थाना कलाब में इस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और जो लोग अपनी समस्याएं रख रहे हैं उसका मौके पर समाधान भी कर रहे हैं। इस दौरान खेल से जुड़ी समस्या का जो गांव के लोगों ने कुछ समाधान रखा था, लेकिन जब जिला खेल शिक्षा अधिकारी जो है उनको आवाज दी गई तो उस समय वो मौके पर यहाँ मौजूद नहीं देखे, और जब अधिकारियों से पूछा गया तो ये जवाब जो है मुख्यमंत्री को दिया गया कि फिलहाल वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तुरंत ये एक्शन लिया कि जब वो यहाँ जनसंवाद में, जब पूरी सरकार हिसार जिले में है और इस समय ढाणा गांव में है, तो डीएसओ के मौके पर न होने के चलते उन्हें सस्पेंड किया जाता है। तो ये साफ तौर से मुख्यमंत्री का एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं और गांव में जो भी जरूरतें हैं उनको मौके पर ही उनकी घोषणा भी कर रहे हैं। अब धाना गांव की बात करें तो धाना गांव में अभी जो ग्रामीणों ने अपनी जो समस्याएं रखी है उसमें बिल्कुल सामुदायिक भवन बनाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, लाइब्रेरी बनाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, इसके अलावा धानक धर्मशाला बनाने की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है। तो इसी तरीके से जो भी समस्याएं गांव के लोग इस दौरान मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं उनको तुरंत ही मौके पर समाधान कर रहे हैं, और ढाणा कला के बाद फिर मुख्यमंत्री कुलाणा गांव में जाएंगे और वहां भी जनसंवाद में मुख्यमंत्री ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे। बिल्कुल, देखिए गुलशन, खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए एक तरफ जनता की समस्याओं का समाधान तो होता है और साथ ही एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर बड़ी सौगातें भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाती है जनता को। देखिए बिल्कुल, सरकार आपके द्वार, क्योंकि आज जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद स्वयं जनता के बीच जा रहे हैं और जनसंवाद लोगों से कर रहे हैं और लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे अवगत हो रहे हैं, तो पूरी सरकार में जो भी जिले के अधिकारी हैं,
यहाँ पर मौके पर मौजूद है, तो मुख्यमंत्री का प्रयास यही है कि जनसंवाद के दौरान सबकी समस्याएं दूर की जाए। अभी तक मुख्यमंत्री ने बताया है कि उनके पास टोटल जनसंवाद के दौरान 19,000 शिकायतें आई है। 19,000 शिकायतों में मुख्यमंत्री ने आधे से ज्यादा समस्याओं का समाधान भी कर दिया है। और इसी तरह ढाना कला में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी से उनकी समस्याओं का जो शिकायत पत्र है वो लिया है। चलिए ठीक है, बिल्कुल गुलशन देखने की बात होगी आगे किस तरीके से जनसंवाद देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री की तरफ से जनसंवाद कार्यक्रम लगातार जारी है, इस दौरान मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। तो वहीं आपको एक बड़ी जानकारी भी दे दें कि मौके पर मौजूद न होने के चलते डीएसओ को सस्पेंड कर दिया गया है। जब मुख्यमंत्री ने कहा कि सारी सरकार जब हिसार में बैठी है तो इस समय डीएसओ क्यों मौजूद नहीं है, तुरंत प्रभाव से उन्हें निलंबित किया गया। सरकार का एक्शन लगातार जारी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, समाधान भी कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहें हरियाणा न्यूज।